अनंत राधिका का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई तक इटली से सदर्न फ्रांस तक की क्रूज राइड में होंगे फंक्शन। 800 मेहमान शामिल होंगे। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत के दूसरे प्री वेडिंग सेलिब्रेशन से जुड़ी नई अपडेट सामने आई है। इस सेलिब्रेशन में 800 मेहमानों को बुलाया जाएगा। हमने पहले ही बताया था कि फंक्शन समुद्र के बीचों बीच क्रूज शिप पर ऑर्गेनाइज होंगे। नई जानकारी ये है कि क्रूज शिप इटली के सिटी पोर्ट से रवाना होगा और सदर्न फ्रांस में जाकर इसकी यात्रा खत्म होगी। इस क्रूज शिप पर 600 स्टाफ मौजूद रहेंगे जो उन 800 मेहमानों के रहने खाने से लेकर उनकी हर जरूरतों का ख्याल रखेंगे। क्रूज शिप इटली से रवाना होगा और अपनी यात्रा सदर्न फ्रांस में खत्म करेगा। यात्रा 28 से 30 मई तक चलेगी। इस दौरान क्रूज शिप 2365 नॉटिकल माइल्स यानी कि 4380 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। इस क्रूज शिप पर होने वाले फंक्शंस में कुल 800 मेहमान शिरकत करेंगे। इन 800 मेहमानों की देखरेख के लिए 600 स्टाफ हर वक्त मौजूद रहेंगे। दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई तक। यह सेलिब्रेशन 28 से 30 मई तक होगा। इसमें अंबानी परिवार से जुड़े खास लोग शामिल होंगे। बॉलीवुड से तीनों खान, बच्चन और कपूर फैमिली के पहुंचने के चांसेस हैं। इसके अलावा बिजनेस जगत से भी कई नामचीन हस्तियां इस क्रूज शिप पर सेलिब्रेशन में शरीक हो सकती हैं। बता दें कि पहले प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में 1000 से ज्यादा मेहमान जामनगर पहुंचे थे। जहां तक शादी की बात है तो यह मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में ही जुलाई में होगी। यूरोप में क्रूज शिप टूरिज्म फेमस। यूरोप की कई कंट्रीज समुद्र से कनेक्टेड हैं। यूके, इटली, फ्रांस और स्पेन एक दूसरे से समुद्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यहाँ क्रूज शिप टूरिज्म काफी फेमस है। अंबानी का क्रूज शिप इटली से रवाना होकर सदर्न फ्रांस में अपनी यात्रा पूरी करेगा। सदर्न फ्रांस भी अपने आप में काफी फेमस है। ये जगह अपने आकर्षक तट, सुंदर नीले समुद्र और खूबसूरत शहरों के लिए जानी जाती है। यहाँ मुख्य रूप से क्रूज शिप टूरिज्म ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से आकर यहाँ क्रूज शिप पर पार्टी करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ के किसी साधारण क्रूज शिप पर पार्टी करनी है तो उसे 500 से 1000 डॉलर यानी लगभग 84,000 रुपए खर्च करने होंगे। इस साल का कांस फिल्म फेस्टिवल आज यानी 14 मई से शुरू हो रहा है। गुजरात के जामनगर में हुआ था अनंत राधिका का पहला प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। इससे पहले गुजरात के जामनगर में अनंत राधिका के प्री वेडिंग फंक्शन रखे गए थे। ये फंक्शन 3 दिन यानी 1 मार्च से 3 मार्च तक चले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्री वेडिंग फंक्शन पर 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अनंत को जामनगर से विशेष लगाव है, इसलिए ये फंक्शन वहाँ स्थित रियलायंस टाउनशिप में रखे गए थे। इंटरनेशनल स्टार्स रिहाना और एकॉन ने भी यहाँ परफॉर्म किया था। बिजनेस, राजनीति और बॉलीवुड जगत के लगभग सारे बड़े लोगों का यहाँ जमावड़ा था। लोगों के लिए एक भोज का भी आयोजन कराया था। इसमें करीब 51,000 लोगों को खाना खिलाया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।